दर्शकों प्रणाम, मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। पिछले दिनों मैं बाहर घूमने गया था और मैंने एक बहुत ही विचित्र सा दृश्य देखा। एक आदमी अपने कुछ पालतू तोतों के साथ, पैरट के साथ बैठा हुआ था। पास में एक पिंजरा भी था जो खुला हुआ था, और वे जो तोते थे वे कभी पिंजरे के अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे, लेकिन उड़कर जाते नहीं थे। मैंने उससे पूछा, क्या फिर ऐसा क्या है कि ये तोते जो बने ही स्वच्छंद हवा में उड़ने के लिए हैं, वो उड़कर जा क्यों नहीं रहे हैं, वो पिंजरे के आसपास ही क्यों मंडरा रहे हैं। उसने मुझे बताया कि जब ये पैरट्स छोटे थे तो वो इनको पकड़ के बड़े से पिंजरे में रखता है जहां उनको खाना पानी सब दे रहा होता है, और धीरे धीरे समय बीतता है और जब तोते बड़े हो जाते हैं तो ये पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। तो मैंने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तब तो तोते उड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ, कुछ तोते उड़ जाते हैं लेकिन कुछ तोते वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि ये प्रेम की शक्ति है। जिन तोतों को वो रोज खाना पानी दे रहा होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा होता है, उनमें से कुछ तोते तो उड़ जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, लेकिन वो कुछ जो वापस आ जाते हैं वो हमेशा से उस तोते वाले आदमी के पास ही रहते हैं, वो कभी उसे छोड़कर जाते नहीं हैं, चाहे पिंजरा खुला हो या बंद हो। मित्रों, ये प्रेम की शक्ति है। किशन सरोज जी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर कवि रहे हैं, गीतकार रहे हैं, उनकी एक रचना जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। रचना है कि कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित। भूमिका कुछ ऐसी है कविता की कि किशन सरोज जी जिस कन्या से प्रेम कर रहे होते हैं, एक दिन उस कन्या का विवाह कहीं निश्चित होता है। तो ये बात वो कन्या जो है किशन सरोज जी को आकर बताती है कि ऐसा ऐसा है, अब मेरा जो है विवाह निश्चित हो गया है, तो इन संबंधों को हम यही समाप्त करते हैं, और आपसे ये अनुरोध है कि जो हमारे फोटोज या हमारे लेटर्स आपके पास हैं, आप उन सबको डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो किशन सरोज जी उससे जो बात कहते हैं उसी बात को कविता का रूप दिए हैं, और कविता यूं है कि कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, तुम्हारे पत्र सारे चित्र तुम निश्चिंत रहना। कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, तुम्हारे पत्र सारे चित्र तुम निश्चिंत रहना। मित्रों, ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय हुआ करती थी 1970 में। अंतर इतना है कि उस समय पत्र और चित्र हुआ करता था, आज इमेजेस और लेटर्स हैं। उस समय साधारण पत्र हुआ करता था, आज जो है फेसबुक इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं, मेल्स हैं। किशन सरोज जी कहते हैं कि कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, तुम्हारे पत्र सारे चित्र तुम निश्चिंत रहना। धुंध डूबी घाटियों के इंद्रधनु तुम, धुंध डूबी घाटियों के इंद्रधनु तुम, छू गए नतभाल पर्वत हो गया मन, बूंद भर जल बन गया पूरा समंदर, बूंद भर जल बन गया पूरा समंदर, पा तुम्हारा दुख तथागत हो गया मन। अश्रुजन्मा गीत कमलों से सुवासित, अश्रुजन्मा गीत कमलों से सुवासित, यह नदी होगी नहीं अपवित्र तुम निश्चिंत रहना। कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, तुम्हारे पत्र सारे चित्र तुम निश्चिंत रहना। दूर हूं तुमसे नब बातें उठे, दूर हूं तुमसे नब बातें उठे, मैं स्वयं रंगीन दर्पण तोड़ आया, वे नगर वे राजपथ वे चौक गलिया, वह नगर वे राजपथ वे चौक गलिया, हाथ अंतिम बार सबको जोड़ आया, थे हमारे प्यार से जो जो सुपरिचित, थे हमारे प्यार से जो जो सुपरिचित, छोड़ आया वे पुराने मित्र तुम निश्चिंत रहना।
लो विसर्जन आज वासंती छुअन का, लो विसर्जन आज वासंती छुअन का, साथ बीने सीप शंखों का विसर्जन, लो विसर्जन आज वासंती छुअन का, साथ बीने सीप शंखों का विसर्जन, गुध न पाए कनु प्रिया के कुंतलों में, गुध न पाए कनु प्रिया के कुंतलों में, उन अभागे मोर पंखों का विसर्जन, उस कथा का जो न हो पाई प्रकाशित, उस कथा का जो न हो पाई प्रकाशित, मर चुका है एक एक चरित्र तुम निश्चिंत रहना, कर दिए लो आज गंगा में प्रवाहित, तुम्हारे पत्र सारे चित्र तुम निश्चिंत रहना।